बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा शेफ विद इजी एंड क्विक रेसिपीज़। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ स्पेशल वो सुपर सिल्की एंड मोइस्ट चॉकलेट बटर केक। चॉकलेट बटर केक स्पेशली उन लोगों के लिए जो चॉकलेट लवर्स हैं, और मेरे सारे फैन फॉलोअर्स को मैं ये डेडिकेट करती हूँ। इतना मोइस्ट और सुपर टेंडर चॉकलेट केक कैसे बनता है, वो भी विदाउट ओवन के, तो इसके लिए आपको पूरी रेसिपी देखनी पड़ेगी। देर नहीं करते, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मज़ीद वीडियो पे जाने से पहले प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। बटर केक बनाने के लिए 6 टेबलस्पून बटर यूज़ किया है। रूम टेम्परेचर पर सॉफ्ट बटर होना चाहिए। देन हाफ कप शुगर ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बीट करेंगे बीटर से, आप चाहें तो हैंड विस्कर से विस्क कर सकते हैं। देन एग्स ऐड करेंगे, रूम टेम्परेचर वाले एग होने चाहिए, और उसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। उतनी देर तक मिक्स करेंगे जब तक ये फॉमी ना हो जाए। ये हो गया। अब रिमेनिंग चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 3 टेबलस्पून कोका पाउडर, 3 से 4 मैंने टेबलस्पून ऐड किए थे। देन 1.5 कप फ्लावर ऐड करेंगे, मैदा, थोड़ा सा वनीला पाउडर एक्स्ट्रैक्ट है तो आप वो भी इस्तेमाल करें। थोड़ी देर अगेन हमने मिक्स करना है जब तक ये सिल्की बैटर ना बन जाए। यहाँ पर आप थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं ताकि जो केक है वो शाइनी बन जाए। केक का बैटर बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, अच्छे से बीट हो गया। देखें कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी बनी है। अब इस पे चूल्हा से आपको दिखाते हैं। ये देखें ऐसे ही इसकी कंसिस्टेंसी है। मोल को पहले ही मैंने बटर पेपर लगा लिया था थोड़ा सा ग्रीस करके। अब पोर करेंगे मोल में जो हमने अभी बैटर बनाया है। देखें कितना सिल्की एंड स्मूथ है। तो चूल्हा से बैलेंस करके टैप करेंगे ताकि जो एयर है वो रिमूव हो जाए। पैन को तकरीबन 15 मिनट पहले मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। आप ये ऐसा कीजिएगा, आप कोई भी स्टैंड या कटोरी रख के आपने बैटर ट्रांसफ़र करना है पतीले में, और अच्छे से कवर करके तकरीबन 40 मिनट के लिए बेक करेंगे। 40 मिनट हो गए हैं। आप टूथपिक्स चेक करके आपको दिखाते हैं, ये एम्प्टी आ रही है, इट मीन्स के केक हमारा बेक हो गया है। इसे रिमूव करके 10 से 15 मिनट के लिए कूल होने देंगे, क्योंकि केक को छेड़ना नहीं है, यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो जब तक केक ठंडा हो जाए हम इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार करते हैं। पैन में 2 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे, देन 1 कप मिल्क, और थोड़ा सा ये मैंने चॉकलेट ऐड किया है, आप चाहें तो कोका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून शुगर और थोड़ा सा ऑयल। मेल्ट करेंगे, उतनी देर तक मिक्स करेंगे जब तक ये मेल्ट ना हो जाए। 2 टेबलस्पून मैंने फ्लावर ऐड किया है। बस थोड़ी देर ये कुक करेंगे, जब ये थिक हो जाएगी तो ये फ्रॉस्टिंग रेडी है, और इसको भी कूल होने देंगे। फिफ्टीन मिनट के बाद केक भी ठंडा हो गया। अब इसका जो बटर पेपर है वो रिमूव कर देंगे और आपको दिखा देंगे केक कितना अच्छा सॉफ्ट बेक हो गया है। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बना है। अब यहाँ पर ये ऊपर से जो भी लेयर है वो थोड़ी सी कट करेंगे, क्योंकि हमने फ्रॉस्टिंग करनी है। जो लेयर हम निकालेंगे स्लाइटली सी, उसको भी हमने यूज़ करना है केक के ऊपर गार्निशिंग करके। तो जनाब ये देखें अच्छे से बेक हो गया केक हमारा, और वापस से हमने इस केक को मॉल में रखना है। चॉकलेट फ्रॉस्टिंग भी ठंडी हो गई है। अब लेयर बिछाएंगे, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे पूरे केक पर। स्पैचुला से या किसी भी नाइफ से आप ये स्प्रेडिंग कर दें पूरे केक पर, और ऊपर से गार्निशिंग कर दें जैसे कि मैंने ये चॉकलेट की है। 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। देन आपके पास चॉकलेट बटर केक रेडी है। बहुत इजी, क्विक एंड डिलीशियस रेसिपी। एंड इजी टू मेक केक की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ।
बहुत ही डिलीशियस और मॉइस्ट केक बनता है। आप इस वे में केक बनाएंगे तो सबके दिल जीत लेंगे। अभी आपको कट करके दिखाते हैं कि कितना मॉइस्ट और सुपर सॉफ्ट ये चॉकलेट बटर केक बना है। पीसेस में कट करेंगे और सर्व करके दिखाते हैं कि ये आज का चॉकलेट बटर केक कितना शानदार और डिलीशियस बना है। व्यूअर्स, ये थी आज की डिलीशियस चॉकलेट बटर केक की रेसिपी। उम्मीद है आप सब लोग बहुत लाइक करेंगे और अपनी राय का इजहार भी करेंगे। जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयरिंग याद से किया करें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।